दोस्तों नमस्कार। इन दिनों कोरोना वायरस का संक्रमण है, लॉकडाउन है, लोग टेढ़े मेढ़े और आउट एरिया के रास्तों से निकलकर किसी तरीके से गंतव्य स्थान या अपने अपने घरों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कई मजदूर और श्रमिक तो ऐसे भी मिले हैं आईएमसी के नेताओं को, जो हजारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलते हुए आए हैं, पैरों में उनके छाले पड़ गए हैं, कुछ की चप्पलें घिस गई हैं, भूखे प्यासे और परेशान हैं, कैसे घर पहुंच पाएंगे अपने घर ये भी नहीं पता। ऐसे परेशान हाल लोगों की मदद कर रहे हैं बरेली इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के नेता नदीम खान और डॉक्टर नफीस खान के नेतृत्व में। कार्यकर्ताओं ने बरेली के हाईवे पर जाकर पके पकाए भोजन के पैकेट इन श्रमिकों को, इन मजदूरों को बांटे हैं। कुछ और पानी की बोतलें, बिस्कुट के पैकेट समेत जरूरी चीजें भी दी हैं। यही नहीं, बरेली के पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद मजदूरों को पास से गुजरने वाली गाड़ियों, चाहे ट्रक हो, मेटाडोर हो या और गाड़ियां हो, उनमें बिठलवा कर अपने अपने गंतव्य स्थानों की तरफ भिजवाया है, ताकि मजदूरों को कुछ आराम मिल सके, कुछ सफर वो इन गाड़ियों में बैठ के कर सके। फिलहाल देखिए इस खबर में किस तरीके से खिदमतें खल्क कर रहे हैं आईएमसी के नेता, क्या बोले हैं आईएमसी के वरिष्ठ नेता नदीम खान, देखिए हमारी संपूर्ण रिपोर्ट। मोहम्मद नदीम खान, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल बरेली से। आज इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल की टीम ने हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब के निर्देश पर लगातार तीसरे दिन NH-24 फतेहगंज पश्चिमी से लेकर फतेहगंज पूर्वी तक जितने भी गरीब गुरबा परेशान हाल बेहाल मजदूर लोग जो रोड पर पैदल चल रहे हैं, जिन्हें गाड़ियां सरकार मुहैया कराने का खोखला वायदा कर रही है और ये कह रही है कि हम लगातार मजदूरों के लिए फलानी गाड़ियां चला रहे हैं, फलानी ट्रेनें चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आज तीन दिन से लगातार हम लोग ये देख रहे हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि गरीब का कोई साथी नहीं है। और यह हम लोगों ने ये भी नोट किया कि हालात को देखते हुए जिस तरीके से सरकार खोखले वायदे कर रही है, सरकार ये लगातार कह रही है कि खाने के सारा सामान मजदूरों को मुहैया कराया जा रहा है और गाड़ियां मुहैया कराई जा रही हैं। अभी हाल ही के दिनों में इतनी बड़ी कोरोना की महामारी मैंने तो बरेली जनपद में देखा, मैंने पूरी बरेली जनपद में किसी भी जगह पर सरकारी कोई गाड़ी इमदाद के नाम पर नहीं देखी, और मैंने ही नहीं, मैं समझता हूँ किसी ने भी नहीं देखी, और ना कभी मैंने ये देखा कि सरकारी गाड़ी गरीब मजदूरों की गुरबा लोगों की बस्तियों में जाकर ये कहे कि आज हम सरकार की तरफ से आए हैं और हम आप लोगों को ये दे रहे हैं। हाँ, राशन वितरण के बारे में तो सुना है, लेकिन कोई भी कोटेदार राशन वितरण दुकान के अलावा कोई भी सरकार की इमदाद पैसे से लेकर कौड़ी से लेकर कोई भी ऐसे लोगों गरीब लोगों के पास नहीं पहुंची है, जिस पर ये सहानुभूति व्यक्त की जाए कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।